स्क्रीन पर देखें आप, ये तमाम लोग आशुराम बापू की रिहाई की तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उससे पहले कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी, तस्वीरें जरा ये भी देखें आप, इन तस्वीरों पर भी नजर डालें और उसके बाद मैं आपको फिलहाल बता दूं कि अब जो है लगातार रिहाई की मांग की जा रही है कि आशुराम बापू को रिहा किया जाए। इस देखें आप, फिलहाल देखें आप ये पंडाल में जितनी जनसंख्या इस समय आई है, ये जनसंख्या लगातार इसी चीज को लेकर गई। क्या कहते हैं रिहाई को लेकर, क्या कहते हैं? हमारी सभी की यही सभी के आगे सरकार आगे यही प्रार्थना है कि हमारे बापू जी जल्दी रिहा किया जाए, क्योंकि उनका स्वास्थ्य इतना खराब है। इतनी देर तो हम लोग बोले नहीं, अब उनको बेल मिलनी चाहिए, सभी को मिलती है, उनके लिए भी तो एक ही है ना कानून, सबके लिए एक है, तो हमारे बापू जी के लिए क्या कहेंगे, क्या कहेंगे रिहाई के लिए? हमारे बापू को जितनी जल्दी हो सकता है सरकार को चाहिए उनको बाहर ले, बापू जी को रिहा करो। रिहाई के लिए क्या कहेंगे? जल्दी से जल्दी हमारे बापू जी को रिहा करो। क्या कहेंगे? बापू जी हमारे निर्दोष हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी रिहा करो। एलिगेशन लगे हैं आपको? वो सब झूठे हैं, वो सब प्रूफ नहीं हुए हैं, वो सब झूठे हैं। सोनिया गांधी ने लगाया, जो कांग्रेस ने लगाया, सोनिया गांधी ने लगाया, बापू निर्दोष है, बापू निर्दोष है। नहीं, वो उसी ने लगाया है, बापू हमारे निर्दोष है, उसी ने बचाया, ठीक है ना? नाम क्यों नहीं लेना है, गंदी है वो। बेल मिलना सबका राइट है, बेल मिलना सबका राइट है, सबको मिल रहा है, तो बापू जी को मिलना चाहिए। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको इलाज के लिए भी टाइम नहीं दे रही है गवर्नमेंट, इसलिए गवर्नमेंट से अपील है कि जल्दी से जल्दी बापू जी को रिहा करे और उनको जो इलाज के लिए मधुबन भेजना चाहिए, बस जी गुजारिश है। आज आप देख रहे हैं हजारों हजारों की संख्या में जो जनसैलाब उमड़ के आया है, ये रैलियां पूरे देश भर में निकल रही है। आपको पता है कि विगत 11.5 वर्षों से संसी आसाराम जी बापू जी को एक झूठा पोक्सो एक्ट के तहत जोधपुर जेल में रखा गया है। विगत 1.5 महीने से उनका स्वास्थ्य बहुत लड़खड़ा है, वो एकदम फिट थे जब कोरोना काल में कोरोना फैला जेल के अंदर, तो वो भी इफेक्टेड हुए और उनका हीमोग्लोबिन 3.5 आ गया था, फिर भी उन्होंने अपने आप को ठीक किया। लेकिन अभी 1.5 महीने से उनका स्वास्थ्य इतना लड़खड़ाया कि उनको जो है हार्ट में 3-3 उनके ब्लॉकेज निकले और हीमोग्लोबिन उनको बिल्कुल डाउन आ गया था, 7 पॉइंट तक आ गया था, 7 बोतलें उनकी खून की चढ़ी, उसके बाद भी हीमोग्लोबिन स्टेबल नहीं हुआ। उनका जो है इंडोस्कोपी हुआ, उसमें पता नहीं चला क्या तकलीफ है, कैप्सूल इंडोस्कोपी हुई, उसमें पता चला कि छोटी आंतों में अल्सर है, और उसका बावजूद भी बापूजी अभी तक जो है स्वस्थ नहीं हुए। और एम्स हॉस्पिटल जोधपुर ने कहा कि बापूजी का आगे का इलाज जो है वो आपका इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा, हम इलाज करने में असमर्थ है, आप इस इलाज के लिए आप दिल्ली जंग है कि हम एलोपैथिक इलाज नहीं, हमको आयुर्वेदिक इलाज। तो माननीय न्यायालय ने अभी हमको थोड़ी राहत दी है और स्वीकृति जताई है कि ठीक है, 20 तारीख तक सारी रिपोर्ट उन्होंने, जहां माधव बाग जो है कि पुणे और मुंबई के बीच में आयुर्वेदिक जो हॉस्पिटल है उसकी रिपोर्ट मांगी है, और हमें उम्मीद है कि हमको आने वाली 20 तारीख को बापूजी के इलाज के लिए अनुमति मिल जाएगी। तो जम्मू से कितनी जनसंख्या आपके साथ है इस समय, लोगों की जो भीड़ उमड़ी है? हजारों हजारों के साथ 10 से 15 हजार लोग यहाँ पर आए हुए हैं अभी, और खाली ये यहाँ पर रैली निकली ऐसे नहीं, देश भर में सभी जगहों पर ये रैलियाँ निकाली जा रही है न्याय की गुहार के लेकर। हम 11.5 साल में बिल्कुल चुप रहे, शांत रहे, लेकिन अब नहीं तो कब, अभी नहीं तो कभी नहीं। जो उनका संवैधानिक अधिकार है, बेल उनको मिलने चाहिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए वो अपने तरीके से इलाज करा सकते हैं, हमारा संविधान कहता है। आए दिन हम देखते कभी किसी को पैरोल में भेदभाव क्यों, तो उसी मांग को लेकर के पूरे देश भर में रैलियां निकाली जा रही है न्याय की गुहार को लेकर के। तो जो एलिगेशंस लगाए गए, आपको लगता है कि पॉसिबल हो पाएगा इतने एलिगेशंस के बाद भी बेल? एलिगेशन क्या है, एलिगेशन ये है पोक्सो एक्ट है, वो कोई किसी पे भी लगा सकता है। जो नाबालिग लड़की है वो कह दे कि इन्होंने मेरे साथ, उसका क्या एविडेंस मिलेगा? जिस लड़की ने आरोप लगाया वो रहने वाली उत्तर प्रदेश की, 2 साल पहले हमारे गुरुकुल में आई थी, ठीक है, वो आई षड्यंत्र की तहत ना, वहां पर आते ही 2 साल बाद जब ये आरोप लगाई, उससे पहले वो अपने घर जाती, माता पिता के साथ वो राजस्थान जाती है जहां पर बापूजी का सत्संग चल रहा है, ठीक है, और वहां उस रात को जिस रात की वो घटना बताती है, घटना घटी, उसके बाद वो आ जाती है वहां से जोधपुर से जयपुर आती, जयपुर से दिल्ली आती, दिल्ली से फिर वो जाती है उत्तर प्रदेश शाजापुर, फिर वापिस शाजापुर से फिर दिल्ली आती, क्यों आती है कि वहाँ पर बापूजी का सत्संग है। और रात के 2:30 से 3 बजे के बीच कमला नगर में 0 FIR होती है। अभी यहाँ किसी के साथ छेड़छाड़ हो तो क्या वो 3 दिन का इंतजार करेगा?
चलो मान लिया कि ऐसा ऐसा हुआ है तो उसका कोर्ट जो है सबूत मांगता है, तो मेडिकल में कुछ भी नहीं मिला और हमने जब उसकी पूरी जांच पड़ताल करी तो ये पाया गया कि लड़की नाबालिग नहीं लड़की बालिग है, और उसके 5-5 साक्ष्य हमने कोर्ट को दिया लेकिन एक भी हमारा साक्ष्य स्वीकार नहीं हुआ, हमारा ही गुरुकुल का सर्टिफिकेट का आधार बना करके और इतनी बड़ी सजा सुनाई है, तो सुनाई गई है लेकिन अभी अपील हमारी हाईकोर्ट में चल रही है। क्या लगता है कि न्यायालय सही डिसीजन नहीं ले पा रहा या न्यायालय सही तरीके से कानून का दुरुपयोग हो रहा है ना? आप ये देखिए, आप तो पत्रकार हैं, आप उठा के देखिए 2013 में जो संविधान के तौर ये कानून बना है उस कानून को हथियार की तरह किस तरह से इस्तेमाल हुआ, क्या क्राइम जो है घटाने के लिए कानून बनता है लेकिन क्राइम घटा कि बढ़ा? आप ये भी तो देखिए, कानून अगर बनता है तो वो दोनों पक्षों को देख करके बनना चाहिए, तो ये संशोधन की आवश्यकता है, उसका कितना दुरुपयोग हो रहा है। मात्र कह दिया है लड़की ने, पर साक्ष्य कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है, उसका कॉल डिटेल निकाली गई जिस समय वो घटना बता रही है, बापूजी तो वहाँ करीबन 250-300 लोगों के साथ बैठे हुए हैं, उसका पूरा एविडेंस है, अभी हमको थोड़ी देर में आपको वो बुक भी देंगे, उसके अंदर पूरा डिटेल जो कोर्ट में हमने दी है वो है। उसके बाद हमने जो है 5-5 साक्ष्य, अच्छा लड़की का जो है कॉल डिटेल कहाँ से ये आरोप सिद्ध होता है, बस कहने देने मात्र से इतनी बड़ी सजा सुना दी। तो अभी आपकी जो रैली निकलने वाली है कहाँ से लेकर कहाँ तक ले जाएंगे? ये भगवती नगर से लेकर के और जम्मू के विभिन्न जीवल चौक और मुख्य मार्केट से होते हुए वापिस जो है रघुनाथ बाजार से होते हुए फिर वापिस इधर ही आश्रम में ही आएगी। चलिए हम देखिए जनसंख्या लगातार जो है वो इनके साथ किस तरह से है और लगातार रिहाई की मांग करते हुए देखिए आप पंडाल से अब जो रैली निकलते हुए लगातार जो है वो रिहाई की मांग की जा रही है, रिहाई की मांग लगातार की जा रही है और उनके समर्थकों का कहना है कि वो निर्दोष है और उन्हें जल्द से जल्द बरी किया जाए, उनका स्वास्थ्य लगातार